नींबू के सिर्फ दो बार इस्तेमाल से आप खत्म कर लेंगे अपने क्लॉक्ड पोर्स को, ब्लैक हेड्स को, व्हाइट हेड्स को और लार्ज पोर्स को आप बिल्कुल श्रिंक कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपके लिए मैं बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आई हूँ और हेवी रिक्वेस्टेड वीडियो है। आप लोग मुझे बहुत ज्यादा कमेंट करते हैं कि प्लीज कोई व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स के लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएं जिससे कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और अगर हमें ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है तो वो भी श्रिंक हो जाए। तो आज इस वीडियो में आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। तो चलिए जान लेते हैं बिना किसी देरी के किन चीजों की जरूरत है और कैसे अप्लाई करना है। लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। आपका एक लाइक हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है अंदर से कुछ और बेहतर करने के लिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब बारी आती है स्टेप नंबर 1 की। सबसे पहले आपने क्या करना है, जिस जगह पर आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स हैं या ओपन पोर्स की समस्या है वहाँ पर हमें देनी है स्टीम। ठीक है, स्टीम देने के बाद अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट स्टेप की, जो है हमारा स्क्रब, जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। इसके लिए आप खाली बाउल ले लीजिए, उसमें एक चम्मच चीनी डाल लीजिए। यहाँ पर जो चीनी मैं ले रही हूँ उसको मैंने हल्का सा मिक्सी में ग्राइंड कर लिया है, दरदरा कर लिया है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1/4 स्पून हनी। इसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी 1 स्पून नींबू का रस। अब मैं ऐड करूंगी 1 चम्मच कॉफी पाउडर। इनको अच्छे से मैं मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद मैं इसको अपनी नोज एरिया में अप्लाई करूंगी। अप्लाई करने के 15 मिनट बाद, जो 15 मिनट हो जाए, तो आपको इस तरह का एक टूथब्रश लेना है, जिसे हम ब्रश करते हैं टूथब्रश, वो लेना है आपको। और सर्कुलर मोशन में आपको अपने नोज के पास इसको रब करना है। इससे क्या होगा, आपके जितने भी ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। आपकी स्किन नोज की एकदम स्मूथ हो जाएगी। आपको बाहर का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं लेना पड़ेगा ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स के लिए। अब हम इस्तेमाल करेंगे नींबू के छिलके का, जिसका हमने रस निकाला था वही छिलका हमारे पास बच गया है। उस छिलके से मैं अपने नोज एरिया में अच्छे से मसाज करूंगी 20 सेकेंड्स के लिए, देन ठंडे पानी से वॉश कर लूंगी। इसके साथ आपको एक इम्पोर्टेंट टिप देना चाहूंगी कि आपने आइस क्यूब जो होती है ना, डायरेक्ट या तो अपने फेस पर रब करनी है, या फिर अगर आप डायरेक्ट रब नहीं कर सकते तो किसी टिश्यू पेपर में, किसी हैंकी में रख कर आपने अपने फेस पर पूरे पे आइस से मसाज देना है। आइस मसाज देने से क्या होता है, आपके तो स्किन जो है सैग नहीं करती, रिंकल्स फाइन लाइंस की प्रॉब्लम नहीं आती है, साथ में आपकी आंखों के नीचे की जो पफिनेस है वो चली जाती है, और इससे जो आपके मेन पार्ट है ना, ओपन पोर्स की समस्या, वो आपकी श्रिंक होने लगते हैं। तो आपको ओपन पोर्स की समस्या खत्म हो जाती है, इससे आपके ब्लैक हेड व्हाइट हेड्स भी रिमूव होते हैं। तो ऐसा आप डेली करें आइस क्यूब को। और जो मैंने आपको स्क्रब बताया है, इसका इस्तेमाल आपको वीक में सिर्फ 2 बार करना है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो बस जमकर शेयर करिएगा, और नेक्स्ट टाइम किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं वो टॉपिक आप अपना नेम विद योर सिटी नेम मेंशन कर दीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा अकाउंट है इंस्टाग्राम का @ishamehra, और फेसबुक पे मेरा पेज है हेल्थ टाइम। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।